भारत और इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम का जो है वो ऐलान हो गया है और 3 मैचों का जो है ये ऐलान हुआ है, क्योंकि बाकी जो शुरुआती 2 मैच थे टेस्ट मैच, एक भारत ने और एक इंग्लैंड ने जो है अपने नाम किया है। सीरीज़ 1-1 से बराबर है। विराट कोहली जो है पूरी सीरीज़ से जो है वो बाहर हो गए हैं और 23 गेंदबाज की जो है वो एंट्री हुई है। विराट जो है वो अगले 3 मैचों के लिए जो है वो टीम का हिस्सा जो नहीं होंगे। उनकी कमी जो है हमेशा की तरह खलती नज़र आएगी, जैसे पहले 2 टेस्ट में थी और अब बाकी के 3 टेस्ट से भी विराट जो है वो बाहर हो गए। तो क्या है प्लेइंग 11, वो देख लेते हैं कि किन किन खिलाड़ी को जो है वो मौका दिया गया है। रोहित शर्मा के हाथों में कप्तानी रहेगी। इनके साथ जो आएंगे जसप्रीत बुमराह आएंगे, जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, रजत पाटीकर, सरफराज खान एक नए चेहरे के सामने के रूप में आए हैं। इसके बाद केएस भरत विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छी जो है बैटिंग भी कर लेते हैं और कीपिंग भी जो है वो अच्छी करते हैं। आर अश्विन जो है वो स्पिन की संभालेंगे और बैटिंग भी करते हैं। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर, एंड वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाशदीप एक नए चेहरे हैं। आकाशदीप के इस भरत तो पहले भी खेल रखे हैं, लेकिन सरफराज खान ये जो है 2 नए चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे। अब आपको जो है बगैर विराट कोहली के जो है वो टीम कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना।